कम टू टेस्टी जायका। और आज हम बनाने जा रहे हैं स्पाइसी हनी चिली चिकन। इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पर 200 ग्राम बोनलेस चिकन लिया है और इसे हमें मैरिनेट करना है। मैरिनेट करने के लिए हमने यहाँ पर लिया है 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1/2 टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1/2 टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर और 1/2 टी स्पून नमक, सॉल्ट। सॉल्ट आप टेस्ट के हिसाब से भी ले सकते हैं। तो चलिए अब हम अपने चिकन को मैरिनेट कर लेते हैं। मैरिनेट करने के लिए हम सारे मसाले को चिकन के अंदर ऐड कर देंगे। और सारे मसाले ऐड होने के बाद हम इसे अच्छे से मिला लेंगे। हमें इसे अच्छे से मिला लेना है ताकि सारे मसाले चिकन में अब्सॉर्ब हो जाए। और जैसे ही सारे मसाले को मिक्स कर लेंगे, हम अपने चिकन को 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए साइड पर रख देंगे। आप चाहें तो उससे ज़्यादा भी रख सकते हैं। और जब तक हमारा चिकन रेस्ट कर रहा है, हम इसकी कोटिंग तैयार करेंगे। कोटिंग बनाने के लिए हमें 60 ग्राम मैदा चाहिए और एक बड़ा साइज का अंडा। मैंने इस मैदे को अच्छी तरह से छान लिया है और अब हमें अंडे को फेंटना है। तो चलिए पहले हम अंडे को फेंट लेते हैं। जैसे हम नॉर्मली अंडे को फेंटते हैं, बस इस तरह से हमें अंडे को फेंट लेना है। और उसके बाद अब हम हमारी चिकन की कोटिंग करेंगे। 10 मिनट हो चुके हैं और हमारा चिकन भी रेडी है। तो चलिए अब हम एक एक कर चिकन के पीसेस को अंडे में डिप करेंगे। और अच्छे से डिप करने के बाद हम इसे मैदे में डालकर रोल करेंगे। इसे पूरी तरह अच्छे से रोल करना है ताकि चिकन फ्राई होने के बाद क्रिस्पी होकर तैयार हो। और फिर हम इसे एक एक कर किसी बॉल में रखते जाएंगे। इसी सेम प्रोसेस से हमें अपने सारे चिकन को कोट करना है। और अब देखिए हमारा चिकन पूरी तरह से कोट होकर तैयार है और अब हम इसे फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए हमने यहाँ पर एक फ्राई पैन लिया है और हम फ्लेम को ऑन कर लेंगे। फ्लेम हमें मीडियम पे ही रखना है। और अब हम इसमें 1 कप के करीब तेल डालेंगे। हमें तेल को अच्छे से गर्म होने देना है। और अब देखिए तेल गरम हो चुका है। तो हम इसमें एक एक कर अपने चिकन के पीसेस को डालते जाएंगे। देखिए हमने सारे पीसेस को इसमें डाल दिया है और अब इसे हमें हल्का हल्का स्टिर करके फ्राई करना है। हमें चिकन को गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। और देखिए ये गोल्डन ब्राउन फ्राई हो चुका है। तो अब हम इसे एक एक कर निकाल लेंगे। हमें इसे सर्विंग डिश में निकालते जाना है। और देखिए हमारा चिकन फ्राइड होके रेडी है। अब इस फ्राइड चिकन के लिए हमें सॉस बनाना है। हनी चिली सॉस तैयार करने के लिए हमने 40 ग्राम के करीब हनी लिया है। अब कोई सा भी हनी इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 टेबल स्पून वाटर लिया है, 2 टीस्पून हॉट चिली सॉस लिया है और 2 टेस्पून हमने टोमेटो केचप लिया है। तो चलिए अब हम सॉस बनाना शुरू करते हैं। सॉस बनाने के लिए हमने यहाँ पे एक सॉस पैन लिया है और हम फ्लेम ऑन कर देंगे। फ्लेम ऑन करने के बाद हमें पैन में हनी डालना है।
देखिए हमने पैन में शहद डाल दिया है और शहद डालने के बाद हम इसमें 2 टेबलस्पून पानी को डालेंगे और फिर हम इसे अच्छे से स्टिर कर लेंगे। और अब हम इसे स्टिर करते हुए गर्म होने देंगे। देखिए इसमें बबल्स आने शुरू हो गए हैं। जैसे ही इसमें बबल्स आने शुरू हो जाएंगे तो हम इसमें अपने सॉस को ऐड कर देंगे। एक एक करके हम अपने दोनों सॉसेस को इसमें डाल देंगे। और अच्छे से मिलाते जाएंगे। हमें इसे मिक्स करके अच्छे से पकाना है। हम इसे तब तक पकाएंगे जब तक कि ये ठीक ना हो जाए। 2 से 3 मिनट में सॉस अच्छे से ठीक हो जाएगी और तब तक हमें इसे स्टिर करते हुए पकाना है। हमें सॉस को तब तक अच्छे से पकाते रहना है जब तक कि हमें ये लगे नहीं कि ये गाढ़ी हो गई है। सॉस अच्छे से ठीक होनी चाहिए। तो हमें इसे कंटिन्यूसली स्टिर करते रहना है और देखिए अब धीरे धीरे ये गाढ़ी होना शुरू हो गई है। ये गाढ़ी होना शुरू हो गई है तो हम इसमें चिकन को ऐड कर देंगे। हमने इसमें अपने फ्राइड किए हुए चिकन को ऐड कर देना है और उसके बाद हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है। 3 से 4 मिनट इसको पकने में और लगेगी तब तक जब तक कि चिकन सारे सॉस को अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेगा। और हमें इसे तब तक कंटिन्यूसली स्टिर करके पकाना है ताकि सारे चिकन में सॉस अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। और ये देखिए अब ये पूरी तरह से सॉस को एब्जॉर्ब कर चुके हैं। तो अब हम इसे हम फ्लेम को ऑफ कर लेंगे और चिकन को सर्विंग डिश में निकाल लेंगे। अब हमारा स्पाइसी हनी चिली चिकन बनके तैयार है। ये बहुत ही सिंपल सी डिश है जो कि बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बन जाती है और ये किसी भी पार्टी और ओकेजन के लिए बहुत ही अच्छा स्टार्टर है। आप इसे चिकन चिली या फ्राइड राइस के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो कि आप सबको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर ये रेसिपी आप सबको पसंद आई है तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग ट्विस्टीज़।